मेवात में लूटे और चोरी किए हुए मोबाइल फोन की खरीद फरोख्त करने वाले एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट को स्पेशल स्टाफ पूर्वी जिले ने पकड़ लिया है। इस स्नैचिंग और चोरी के 53 मामले सुलझाए गए और पकड़े गए 3 लोग। बरामद हुए 115 छीने लूट के और चोरी के मोबाइल फोन और साथ में 2 बाइक। पहला आरोपी 29 साल का संदीप उर्फ बर्फी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्नातक है। वो मोबाइल फोन के सवैध धंधे में 8 साल से शामिल था। मेवात और उसके आसपास रहने वाले लोगों के साथ संपर्क बनाता था और अपनी पहचान को रखता था अंधेरे में। दूसरा आरोपी जैकी 29 साल का है, अनपढ़ है और ऑटो चलाता है। तीसरा आरोपी राजकुमार 22 साल का है, वो भी अनपढ़ है और विज्ञापन बोर्ड लगाने वाली कंपनी में मजदूर है। इन्होंने पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी और लूट के मोबाइल फोन की आपूर्ति मेवात हरियाणा में की जा रही थी। दिल्ली पुलिस की टीम में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी, आईसी स्पेशल स्टाफ एएसआई प्रमोद, महेश ऋषि, शैलेश कुमार, नीरज अमरपाल, हेड कांस्टेबल कपिल और कांस्टेबल रवि शामिल थे। टीम ने पूर्वी जिले में गिरफ्तार किए गए सभी स्नैचरों से पूछताछ की और चोरी के मोबाइल फोन को ग्रे लिस्ट में डाल दिया ताकि ये जांचा जा सके कि ऐसा कोई फोन सक्रिय है या नहीं। पता चला कि हरियाणा के मेवात में ऐसे कई फोन सक्रिय हैं। ऐसे मोबाइल फोन के स्थानों की जांच की गई। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों आरोपितों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे आरिफ को छीना झपटी का फोन देने जा रहे थे। पूछताछ पर आरोपी राजकुमार और जैकी ने खुलासा किया कि वे लूट और चोरी के मोबाइल फोन 3000 से 8000 रुपए में खरीदते थे और उन्हें आगे 10000 से 15000 रुपए के बीच में आरिफ को बेच देते थे। पिछले एक साल में 2000 से ज्यादा चोरी के मोबाइल फोन वो बेच चुके हैं। इन फोनों का इस्तेमाल मेवात की साइबर ठगों द्वारा भी किया जाता था। इस तरह से चोरी के मोबाइल फोन प्राप्त करने में शामिल एक बड़े गिरोह को पकड़ लिया गया, साथ ही पकड़े गए कई स्नैचर और लुटेरे। ये था वर्तिका नंदा की आवाज़ में आज का किस्सा खाकी का।